हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एमएस वर्ड में जो डिफरेंट टाइप के ओरिएंटेशंस हैं उनके बारे में सीखेंगे और उनको अप्लाई करना सीखेंगे और ये सीखेंगे कि ये ओरिएंटेशंस होती क्या हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और जाके एमएस वर्ड को एक्सेस करेंगे। करने के बाद उस पर क्लिक करेंगे स्टार्ट मेनू से और हमारे पास उसकी प्रोग्राम विंडो आएगी। तो फ्रेंड्स, जो ओरिएंटेशंस हैं, ओरिएंटेशंस की जो टाइप्स हैं वो टू हैं एमएस वर्ड में। तो इनको एक्सेस करने के लिए हम जाएंगे एमएस वर्ड की ओरिएंटेशन को एक्सेस करने के लिए पेज लेआउट टैब में। मैं आपको दिखाऊंगा पेज लेआउट टैब, आप देख सकते हैं। पेज लेआउट टैब पे हम क्लिक करेंगे। पेज लेआउट टैब पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ ग्रुप्स जो टैब है वो चेंज होगा। जितने जो भी ग्रुप्स हैं पेज लेआउट का जो टैब है उसमें जितने भी ग्रुप्स हैं वो हमें नज़र आएंगी। तो इसमें हम जाएंगे पेज सेटअप के टैब में। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो है पेज सेटअप का टैब है। पेज सेटअप का टैब ग्रुप, सॉरी, पेज लेआउट के टैब में पेज सेटअप के ग्रुप में जाएंगे। यहाँ से हम ओरिएंटेशन हम देख सकते हैं, ओरिएंटेशन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ओरिएंटेशन होता क्या है? ओरिएंटेशन जो है हमारा डॉक्यूमेंट की फिजिकली व्यू को हम कहते हैं। यानी पेज के ऊपर हम पेज को हम क्या वर्ड प्रोसेसिंग करते वक्त इसकी हाइट कम रखना चाहते हैं, विड्थ ज़्यादा रखना चाहते हैं, या हम जो डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेज को या पूरे डॉक्यूमेंट को उसमें जितने भी पेज हों उसकी हम हाइट को ज़्यादा विड्थ को कम रखना चाहते हैं। तो जो फिज़िकल व्यू है पेज की वर्ड प्रोसेसिंग करते वक्त जो हार्ड कॉपी पर भी हमें उसी तरह से मिलेगी उसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन का बटन हमारे पास मौजूद है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसकी लिस्ट ड्रॉप होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ टू टाइप्स की ओरिएंटेशंस हैं। तो एक है पोर्ट्रेट और दूसरी है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में आप देख सकते हैं कि पोर्ट्रेट में इसका आइकॉन लेफ्ट साइड पे है, उससे भी आपको अंदाज़ा होगा कि पोर्ट्रेट जो ओरिएंटेशन होती है ये आमतौर पर किसी एप्लीकेशन को टाइप करते वक्त यूज़ की जाती है, और इसे कोई लेटर टाइप करते वक्त हम यूज़ करते हैं, कोई बुक वगैरह हम टाइप करते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाली जो ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे भी हम एमएस वर्ड को रन करते हैं तो डॉक्यूमेंट की जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होती है वो पोर्ट्रेट होती है। तो पोर्ट्रेट में आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट की व्यू जो है इस तरह से होती है, इसकी विड्थ जो है डॉक्यूमेंट की कम होती है और इसकी हाइट ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, करंटली जो व्यू है इस डॉक्यूमेंट में जो हमने क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं कि मैं जूम आउट करके दिखाऊंगा। तो ये जो व्यू है ये जो ओरिएंटेशन है ये हमारी पोर्ट्रेट कहलाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसकी विड्थ जो है कम है हाइट से, यानी पेज की हाइट ज़्यादा होती है। और इसी तरह से टॉप टू बॉटम की तरफ हम वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं जो भी टेक्स्ट हम लिख। दूसरी जो ओरिएंटेशन वो होती है लैंडस्केप से। हम 100% अगेन पेज लेआउट पे जाके ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं दूसरी जो ओरिएंटेशन है वो है लैंडस्केप। तो लैंडस्केप के जो ऑप्शन है इधर लेफ्ट साइड पर एक लैंडस्केप का आइकॉन भी है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो पेज की या डॉक्यूमेंट की जो विड्थ है वो ज़्यादा होती है हाइट से। तो ऐसी ये ओरिएंटेशन हम अमूमन एक सर्टिफिकेट वगैरह प्रिंट जब करना हो तो उस वक़्त हम ये यूज़ करते हैं, या कोई इनविटेशन लेटर बनाना हो, इस तरह की चीज़ों के लिए हम ये लैंडस्केप वगैरह यूज़ करते हैं।
या किसी कोई बुकलेट हम बनाते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि बुकलेट का जो कवर पेज है उसकी उसकी जो उसके कवर पेज पे जो भी हम हेडिंग वगैरह बुक का नाम टाइटल वगैरह देना चाहते हैं, तो उस सूरत में भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसे अप्लाई करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके हम जूम आउट करते हैं इसे, तो हमें डिफरेंस क्लियर नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो डॉक्यूमेंट है इसकी और इसकी विड्थ ज़्यादा है। तो इस तरह की है वो, जैसा कि मैंने कहा कि अमूमन ये सर्टिफिकेट्स वगैरह जब प्रिंट करना हो उस सूरत में ये यूज़ की जाती हैं। तो अगर मैं मज़ीद ड्रा करके अगर समझाना चाहूँ तो यूँ होगा। अगेन हम पोर्ट्रेट व्यू सिलेक्ट करते हैं, एक है पोर्ट्रेट और दूसरी है लैंडस्केप स्केप। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, तो पोर्ट्रेट यहाँ से अगर पोर्ट्रेट व्यू हम ड्रा करके बनाना चाहें तो इंसर्ट पे जाकर एक शेप इलस्ट्रेशन की ग्रुप से रेक्टेंगल का शेप लाएंगे और अगर इसकी विड्थ को कम करें और हाइट को बढ़ाएंगे तो इस तरह की जो डॉक्यूमेंट की ओरिएंटेशन होती है उसको पोर्ट्रेट कहते हैं। और इसके बाद लैंडस्केप, इसमें हम ये कलर फिल कर देते हैं। के बाद जो लैंडस्केप ओरिएंटेशन है इसे भी हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे। मैं कोई विजुअल अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और ये है लैंडस्केप ओरिएंटेशन, इसे भी हम फिल कर देते हैं। तो ये क्लियरली अभी आपको समझ में आया होगा, पोर्ट्रेट में विड्थ कम और हाइट ज़्यादा होती है, लैंडस्केप में विड्थ ज़्यादा होती है और हाइट कम होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करें।